Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी ये सुबह के बज रहे हैं 11 और घर में बन रही है पूरियां। इसका थोड़ा सा क्लिप जब मैंने रिकॉर्ड किया, गरम गरम पूरियां जो हैं वो रेडी हो रही हैं। यहाँ पे दे देना और जो यहाँ पे देखिए गरम गरम पूरी जो है वो रेडी हो गई है। और वैसे तो मैंने इतनी खाई थी, मेरे से ज़्यादा पूरियाँ जो है बिल्कुल नहीं खाई जाती। यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ जैसे जैसे बन रही हैं साथ साथ सर्व हो रही हैं, और साथ साथ जो है मैंने चाय भी रखी हुई है। या देखें चाय भी पक चुकी है। इसके साथ है जी हलवा और साथ में जो चने होते हैं। जुरेज अभी सो रहा है, तो जुरेज के सोते में जो है वो हम नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये पूरी जो है वो रेडी हो गई है, अब इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। यहाँ पे जी मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ, गरम गरम पूरी आती है, मैं नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप। आज है जी वलीमे का दिन। आपने लास्ट मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने कज़न की बारात पे गई थी, तो एक दिन के गैप के बाद जो है आज वलीमा है, तो बस उसी की हमने तैयारी करनी है। अभी जुरेज उठा है, मैं उसको नाश्ता करवा रही हूँ, उसको नाश्ता करवाती हूँ। और फिर टाइम जो है वो आज मेरे पास काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, आलमोस्ट 12 बज रहे हैं अभी, और काफ़ी काम है छोटे छोटे। तो चलें जुरेज को नाश्ता करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में। यहाँ पे देखिए आलमोस्ट 1:30 बज रहा है, और अभी मैंने नहाने जाना है। और ये रूम की जो है इस वक्त की कंडीशन हुई हुई है, अभी कपड़े भी निकाल रहे हैं, जुरेज के कपड़े भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ब्लीच लगाई हुई थी, अब इसको वॉश करती हूँ, नहाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में। और जी मैंने ले लिया है शावर, और अब करते हैं बाकी काम, कपड़े निकालते हैं, रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, और चले मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई भी क्लिप जब रिकॉर्ड कर सकूँगी। तो जी काफ़ी स्पीड ऑफ स्पीड में रेडी हूँ, जुरेज को रेडी किया है, कपड़े प्रेस किए हैं, जुरेज का बैग रेडी किया है, मेकअप किया है, रूम को क्लीन किया है, काफ़ी काम जो है वो मैंने जल्दी जल्दी स्पीड अप में किया। और यहाँ पे देखिए जुरेज को इनफैक्ट कुछ खिलाया भी है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया था, ऑलमोस्ट 3:45 हो गए हैं जब हम घर से निकले हैं। चले मिलती हूँ मैं आप लोगों से वेन्यू पे। Trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has said. फंक्शन है जी मसाला वाला बाई कसर नूर, या लिबर्टी राउंड अबाउट के थोड़ा सा आगे जाके आता है। और अभी मैं जा रही हूँ, हाईटी बुफे है, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ लेके आते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। और बुफे बहुत स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम, तो चले जी चलो। And the trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi. Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. ये बूफे के काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे मैं आपको इनकी डेकोरेशन दिखा रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत थी। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो इनकी ओपन यहाँ पे किचन था, जिसमें लाइव जो है हर चीज़ फ्रेश बन रही थी, और बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा था। और क्वालिटी, खाने की क्वालिटी तो 10/10 थी, बहुत ही मज़ेदार खाना था। लास्ट में व्लॉग में आपने देखा था डेरे का खाना, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आज का जो है बूफे बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ की वेराइटी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्लेट, अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई की,
सबसे पहले हमने एपिटाइजर से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखें सैंडविचेस बहुत मज़े के, बहुत लाइट वेट थे। इसके अलावा मैंने फिंगर फिश ट्राई की, बहुत मज़े की थी। चाउमीन बहुत मज़े के थे और यहाँ पे समोसा टाइप कुछ क्रंचीज बने हुए थे, वह भी बहुत मज़े के थे। ऑनियन रिंग्स बहुत मज़े के थे। सैलड्स हैं वो बहुत मज़े की थी। जो जो मैंने ट्राई किया उसका मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया, बहुत मज़ेदार खाना। और इसके अलावा जो इनका मेन कोर्स था उसमें हमने चिली ड्राई जो है वो ट्राई किया था, वो भी बहुत ही मज़े का लगा मुझे। और यहाँ पे जो इनका बारबेक्यू था वो भी अच्छा था। और यहाँ पे जी देखें स्पेशल गरम गरम पिज़्ज़ा जो है वो उसी वक्त सर्व हो रहा था टेबल्स पे। और इससे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जुरेज़ जो है वो सो रहा था, वो रास्ते में ही सो गया था और काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पे भी सोता रहा। हमने इजीली और आराम से जो है वो अपना बुफे इंजॉय किया। उसके बाद जुरेज़ को मैंने उठा दिया था ताकि वो भी कुछ खा ले। जुरेज़ भी उठ गया था, फ्रेश हो गया खाना खाने के बाद। अब देखें वो अपनी नानों के साथ जो है वो राउंड लगा रहा है। और जब बच्चों का मूड ठीक हो तो ईज़िली आप सारा फंक्शन जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जब बच्चों का मूड ख़राब हो तो फंक्शन जो है वो थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हाई टी की टाइमिंग जो है वो शाम की होती है यूजली, तो हम जल्दी फ्री हो गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम इंडोर बैठे हुए थे इसलिए इतना फील नहीं हो रहा था। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे जो है बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, सारा सारा दिन भी डार्क भी बहुत ठंड होती है। लेकिन कुछ काम करने होते हैं जो वो ज़रूरी होते हैं उसके लिए आपको निकलना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं और हम लोग निकले हैं थोड़ी सी ग्रोसरी के लिए हम लोग रेनबो स्टोर में। और सबसे पहले एंटर होते साथ ही जुरेज़ ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दिया। ये देखें अब वो जैसे ही बड़ा हो रहा है उसको आइडिया हो रहा है कि यहाँ से जी हमने शॉपिंग करनी है। और वो जैसे ही हम एंटर होते हैं किसी भी स्टोर में वो अपनी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ये पता नहीं इसने क्या लिया है, आई थिंक तो राइस के कॉर्नफ्लेक्स टाइप कोई चीज़ है वो इसने रख ली है, और वो भी दो। चलें जी, चलें जी, अब हम अपनी ग्रोसरी स्टार्ट करते हैं। चलो चलाओ, ये देखें जी यहाँ जुरेज़ ने पता नहीं क्या ले लिया, अब इसको आगे जाके जो है वो हमें फ्यूज कर देंगे। नहीं इधर से नहीं लेना, फिडर ले। हाँ फिर जी यहाँ पे किचन के लिए और वाशरूम के लिए जो है टॉवल ले रही है, किचन के लिए बल्कि ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, वाशरूम के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से बड़े अच्छे हर साइज़ के टॉवल जो है यहाँ पे भी राइस वाले। हाँ ये साइज़ ठीक है। तो जी यहाँ पे मुझे परफेक्ट साइज़ का टॉवल जो है वो किचन के लिए मिल गया। और एक और जो है वो भी ले लेते हैं। ये देखें ये भी प्यारे दो कलर्स हैं बस इनके पास अवेलेबल, तो लाइट कलर वैसे लेना नहीं चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, अभी दो एक किचन के लिए एक बाथरूम के लिए ले लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें कितना क्यूट सा हैंड टॉवल जो है वो हैंग हुआ है, इससे आप अपने हैंड वगैरह वॉश कर लें, फ्रॉक टाइप बना लें। और जी यहाँ पे सारा एनिमल फूड है जो हमारे पास मानो होती थी, कैट बिस्किट्स भी बाय करते थे, अब इसका हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। वेजी फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेक्शन यहाँ से भी हमें कुछ नहीं। अब आ गया है जी ये डेयरी का, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेक्शन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन तो खाना कुछ भी ना हो लेकिन वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी चीज़ और बटर वगैरह बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन खाए नहीं जाते ज़्यादा लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। तो यहाँ पे ये नूरपुर का जो है बटर वो मैंने लिया, ये बहुत मज़े का स्लाइस पे लगा के या बन पे आप कभी कभी लगाएं तो बहुत मज़े का होता है। और काफ़ी वैरायटी बढ़ी हुई थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइसेस ढूंढ रही हूँ, ऑरेंज फ्लेवर में जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं और हेल्दी भी बहुत होती है चीज़। वैसे बच्चों के लिए आप ब्रेकफास्ट में दें या वैसे ही दे दें, तो बस यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे थे और लेकिन काफ़ी दूसरी ऑप्शंस काफ़ी बड़ी हुई थी। तो बस अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी लेनी है। ऑलपर्स की भी चीज़ जो है वो आई हुई है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है ऑलपर्स की। और यहाँ पे ये एडम्स की भी अच्छी और हमने लेकिन नूरपुर जो है वो ले लिया, इसको ट्राई करेंगे। यार ये इसने नहीं।
अभी हम यहाँ पे फीडर जो है वो चूज़ कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से जुड़ेस को रूट्स का फीडर दे रही हूँ, तो बस उसी कंपनी का जो है वो फीडर हम चेक कर रहे थे। एक दफ़ा फूड फीडर जो है ना निकाल के चेक कर लेना लाजमी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बाहर से कुछ शेप दे रहा होता है, जैसे ही आप उसको निकालें हाथ में उसकी ग्रिप लें तो वो डिफरेंट जो है वो आपको शेप देता है, तो इसलिए जो है हम एक दफ़ा खोल के चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे भी बस दो फीडर हमारे पास हैं, इसी में से हम चूज़ करते हैं। ये एक छोटा साइज़ है और एक बड़े का था, तो बस यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लेना। अभी भी तो आगे जा ले अभी हम आ गए हैं सॉसेज के सेक्शन में, और यहाँ पे जरिए इसको जो पसंद आ रहा था वो कह रहा था कि मैंने ये भी लेना है वो भी लेना है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन पे। आपको देख के आइडिया हो ही गया होगा। तो यहाँ पे जो मैं ढूंढ रही थी कनोर के नूडल्स ढूंढ रही थी। अच्छा एक बात और कि हमने जो है वो इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट किया, हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली जो उनकी प्रोडक्ट हो, इसराइल की प्रोडक्ट हो, तो हमने कंप्लीट जो है वो बायकॉट रखा है। अच्छा यहाँ पे ये कनोर के जो वो मैं चीज़ फ्लेवर ढूंढ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ फ्लेवर जो है कहीं भी नहीं है, आई थिंक सो ख़त्म कर दिया उन्होंने, मिलता ही नहीं है। ये एक न्यू फ्लेवर जो है आया हुआ है पिंक कलर का, इसको ट्राई करते हैं। और इसके अलावा मसाला जो है फ्लेवर वो मैंने ले लिया है, तो सिंपल मुझे अभी तक पसंद नहीं है, वैसे सिंपल भी अच्छा होता है, लेकिन अब मैंने मसाला जो है वो ले लिया, साथ में ये पिंक वाला ले लिया, तो इसको ट्राई करेंगे। रख दे इधर, आपको कोई भी लगे कि हमने कोई इसराइल का प्रोडक्ट लिया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लिया जो इसराइली प्रोडक्ट हो। तो बस यहाँ पे अभी हम दूध के पैकेट्स ले रहे हैं। यहाँ पे ये लेस जो है वो इसराइली प्रोडक्ट है, लेकिन जुरेस को बहुत पसंद है और वह मुसलसल यही कह रहा था कि मैंने यही लेनी है, लेकिन हमने फिर भी नहीं लेके दिए और दूसरे स्नैक जो है वो ले लिए। तो चलें जी अब बारी आती है बिल करवाने की, चीज़ें रख लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक मिनट ठहर जाओ। उसके बाद ही हम लोग आ गए हैं मैक्स पे, और यहाँ पे आपने मेरे काफी व्लॉग्स में देखा भी होगा कि हम अक्सर आते हैं। अब तो काफी टाइम हो गया था आए हुए, तो हमने सोचा क्यों ना शवारमा खाया जाए मैक्स का। और ये देखें जी यहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ वो डिज्नी किड्स शॉप में जाने के लिए, लेकिन वो यहाँ से बंद हो गई हुई है, लेकिन अभी हम आए हैं सिर्फ शवारमे के लिए। ये बिजी हमारा जंबो मज़ेदार सा शवारमा जो है वो आ गया है, हम शवारमा इंजॉय करते हैं। और होपफुली आप लोगों ने व्लॉग इंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, इसके अलावा शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।